तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप इस कबूतर को, जो हमारे यहाँ देसी भाषा में इसे बोलते हैं तमड़ा कबूतर, लाल कबूतर को हमारे यहाँ तमड़ा कबूतर बोलते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ये कबूतर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो जो पुराने कबूतरबाज हैं तो वो कहते हैं कि इस कबूतर की जो पुतली हो वो सरसों बराबर होनी चाहिए, एकदम छोटी, क्योंकि जितने भी कबूतर आसमान जाएगा एकदम उसे साफ दिखाई देगा। पता ना कितना साइंस छिपा इसके पुतले में, शायद ये तो हम भी नहीं जानते। कबूतर बता पाएगा कि उसे कितना मदद मिलता है छोटी पुतली होने पर। तो ये तो हमें नहीं पता है, कबूतर से पूछना पड़ेगा एक आध बार। तो देख पा रहे हैं आप इसकी पर तो कटा हुआ है। तो आपको बताने वाले थे कबूतर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो जैसे कि आपको बताएं कि कबूतर जो है उसकी आंखें और इसकी पुतली और चमक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास भी बहुत कबूतर हैं और उड़ाए हैं बहुत कबूतर, जिसकी आंखें में चमक और पुतली एकदम सरसों बराबर ना हो कि उससे बड़ी है, वो भी कबूतर उड़ा हुआ है। और ये कबूतर तो हमें लग रहा है कि कबूतर उड़ेगा, इसकी खनक देख रहे हैं आप। और जो कबूतर ज़्यादा खनकदार होगा वो कबूतर बहुत अच्छा उड़ेगा हमारे हिसाब से, और जो ज़्यादा कबूतर फुर्तीला हुआ वही उड़ता है, और जो एकदम गौदम होगा वो नहीं।